जय हिंद स्टूडेंट, दिस इज़ तिवारी सर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैजिकल पॉइंट। आज के इस वीडियो में लेंथ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उस डेरिवेशन की स्टडी करेंगे और जिसका नाम है संपर्क में रखे दो उत्तल लेंसों से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के सूत्र का निगमन करना है। यदि दो उत्तल लेंस, एक ये उत्तल लेंस और एक ये उत्तल लेंस, अगर दो उत्तल लेंसों को आपस में जोड़ दिया जाए या एक दूसरे के संपर्क में रख दिया जाए तो जो लेंस योग बनेगा या लेंस संयोग बनेगा, उस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, उसका फार्मूला हमें फाइंड करना है। जो कि दो लेंसों को मिलाकर जो लेंस बनता है उसके संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f=1/f1+1/f2। F1 यहाँ पर क्या है, पहले उत्तल लेंस की फोकस दूरी, F2 क्या है यहाँ पर दूसरे उत्तल लेंस की फोकस दूरी, और दोनों लेंसों को मिलाकर जो संयुक्त लेंस बनेगा उस लेंस की फोकस दूरी जो है यहाँ पर वो क्या है, F है। तो आइए इसका डायग्राम देख लेते हैं। माना कोई दो उत्तल लेंस हैं, माना कोई दो उत्तल लेंस L1 व L2 जो परस्पर एक ही मुख अक्ष पर एक दूसरे से सटा कर रखे गए। माना कोई दो उत्तल लेंस, एक ये उत्तल लेंस L1 है और दूसरा उत्तल लेंस क्या है, L2, जो परस्पर एक ही मुख अक्ष पर एक दूसरे से सटा कर रखे गए हैं। इन लेंसों की जो फोकस दूरियां हैं वो F1 और F2 है। पहले लेंस की फोकस दूरी F1 और दूसरे लेंस की जो फोकस दूरी है वो आपकी है क्या, F2। इन दोनों लेंसों को मिलाकर एक ही मुख अक्ष पर सटा कर रखा गया है और इस लेंस के मुख अक्ष पर, लेंस संयोग के मुख अक्ष पर एक वस्तु जो है बिंदु पर रखी है जिससे कोई प्रकाश किरण चलती है और पहले उत्तल लेंस पर पड़ती है। अपवर्तन के पश्चात ये मुख अक्ष पर अपना कहीं पर प्रतिबिंब जो है वो I- बनाती है। तो पहले लेंस L1 से u दूरी पर रखी वस्तु, पहले लेंस L1 से u दूरी पर जो वस्तु रखी जाती है O, उसका प्रतिबिंब जो है पहले लेंस L1 से ही V- दूरी पर बनता है। यदि पहले उत्तल लेंस L1 के संपर्क में दूसरा उत्तल लेंस नहीं रखा है तब पहले लेंस पर अपवर्तन के पश्चात इसका प्रतिबिंब जो है मुख अक्ष पर I बनता है। तो पहले लेंस L1 से u दूरी पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है मुख अक्ष पर I- बनता है और वो लेंस L1 से कितनी दूरी पर बनता है, V- दूरी पर बनता है। तो पहले लेंस, तब पहले उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी, पहले उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी लगाएंगे तो पहले लेंस से और लेंस की फोकस दूरी का वही सिंपल सा फार्मूला है 1/f=1/v-1/u। तो लेंस से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब है, लेंस से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, V- दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, और कितनी दूरी पर पहले लेंस L1 से वस्तु रखी है तो u दूरी पर रखी है, तो 1/u = पहले लेंस की बात कर रहे हैं तो पहले लेंस की फोकस दूरी है वो आपकी F1 है, जिसको आप समीकरण फर्स्ट कह देते हैं। क्योंकि पहले उत्तल लेंस L1 के संपर्क में दूसरा उत्तल लेंस L2 रखा हुआ है तो उत्तल लेंस क्या करता है, जो भी लेंस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस क्या करता है, उन किरणों को मुख अक्ष की ओर मोड़ने का प्रयत्न करता है। क्योंकि पहले उत्तल लेंस L1 के संपर्क में दूसरा उत्तल लेंस L2 रखा हुआ है, इस कारण दूसरा उत्तल लेंस क्या करेगा, प्रकाश किरणों को और मोड़ने का प्रयत्न करेगा, जो कि इसका प्रतिबिंब जो है मुख अक्ष पर पहले ही कहीं पर बन जाएगा। तो अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरणें जो है ये मुख अक्ष पर I पर बनती, और दूसरे लेंस L2 के लिए इसकी दूरी जो है वो V हो जाएगी। ऐसा तब होता है जब पहले उत्तल लेंस L1 के कारण बना प्रतिबिंब जो I- है दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। अगर ये आभासी वस्तु का कार्य करता है I- प्रतिबिंब, तब
दूसरे लेंस L2 से के कारण इसका मुख्य अक्ष पर प्रतिबिंब क्या बनता है, I बनता है, और दूसरे लेंस L2 से इसकी जो दूरी है वो क्या मानी है, बी। फिर समझ लीजिए, पहला उत्तल लेंस जो है और एक दूसरा उत्तल लेंस L2 है, पहला उत्तल लेंस L1 है, दूसरा उत्तल लेंस क्या L2, दोनों परस्पर एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए और एक ही मुख्य अक्ष पर रखे हुए, और इन दोनों लेंसों के सहयोग से u दूरी पर एक वस्तु O रखी हुई है जिससे कोई प्रकाश किरण चलती है, और पहले लेंस L1 पर पड़ती है अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष पर अपना प्रतिबिंब आई डैश बनाती है, जबकि इसके उत्तल लेंस L1 के संपर्क में दूसरा उत्तल लेंस L2 नहीं रखा है, तब इसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर पहले लेंस L1 से V डैश दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है, परंतु दूसरा उत्तल लेंस L2 L1 के संपर्क में रखा हुआ है जो क्या करेगा, अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणों को और मोड़ेगा और मुख्य अक्ष पर अपना प्रतिबिंब क्या बनाएगा, I। तो दूसरे लेंस के कारण जो है इसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर क्या बना, I बना। तब ये कंडीशन होती है कि जब पहले लेंस L1 के कारण मुख्य अक्ष पर बना जो प्रतिबिंब है आई डैश, प्रतिबिंब आई डैश जो है ये आभासी वस्तु का कार्य करता है दूसरे उत्तल लेंस L2 के लिए, तब दूसरे उत्तल लेंस L2 के कारण इसका मुख्य अक्ष पर प्रतिबिंब बनता है I, जिसकी दूसरे उत्तल लेंस L2 से इसकी दूरी जो है वो क्या है, V है। तब दूसरे उत्तल लेंस पर अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे, तो ये लैंग्वेज यहाँ पर लिखी जाती है। आगे देखिए, दूसरे उत्तल लेंस L2 के लिए, यहाँ पर आप L1 के लिए कर दें, फोकस दूरी दूसरे उत्तल लेंस L2 के लिए फोकस दूरी, तो कितनी दूरी पर दूसरे उत्तल लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब जो है वो कितनी दूरी पर बन रहा है, V दूरी पर बन रहा है, और वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, तो दूसरे लेंस L2 के कारण इसका प्रतिबिंब जो है, ध्यान रखें अगर देखा जाए तो ये दूरी, क्योंकि ये बहुत ही पतले लेंस और एक दूसरे सटा कर रखे हैं, तो ये बनेगी इसकी दूरी V डैश, इक्वल में आपका हो जाएगा लेंस दूसरे लेंस की फोकस दूरी जो कि 1/F2। इसको समीकरण आप क्या दे देंगे, 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 में क्या है, 1/V - 1/U, इसके साथ जोड़ेंगे प्लस का 1/V - 1/V- इक्वल में हो जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2 1/V- का, और ये 1/V- जो है प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बनेगा 1/V - 1/U = 1/F1 + 1/F2। ये जो फार्मूला होता है 1/V - 1/U = संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का होता है, तो यदि ये मानते हैं कि यदि दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस रखा जाए, या लेंस संयोग के स्थान पर इन दोनों लेंसों को मिलाकर एक ऐसा लेंस इन दोनों के स्थान पर मिलाकर एक ऐसा लेंस रखा जाए जिससे u दूरी पर रखी वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब जो है v दूरी पर बनता है, तो क्या लिखेंगे, यदि इस लेंस संयोग के स्थान पर एक ऐसा लेंस रखा जाए जिससे u दूरी पर रखी वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब जो है v दूरी पर बनता है, जिसकी फोकस दूरी f है, जिसकी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है, f है, तब आपका कंडीशन में बन जाएगा 1/F = 1/F1 + 1/F2। ये फार्मूला होता है संपर्क में रखे दो लेंसों से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है और इस पर कई सारे क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल वो भी आते हैं। तो आगे न्यू टॉपिक की बात करते हैं, इसमें अगर दो लेंसों को मिला दिया जाए
तो एक संयुक्त लेंस बनता है। और संयुक्त लेंस की जिस तरह फोकस दूरी का ये फार्मूला होता है, उसी तरह एक फार्मूला होता है दो लेंसों को मिलाकर संयुक्त लेंस की क्षमता का। अब संयुक्त लेंस की क्षमता का तो यहाँ समझ लीजिएगा क्या है, संयुक्त लेंस की क्षमता दो उत्तल लेंसों से संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी, दो उत्तल लेंसों से दो उत्तल लेंसों से संयुक्त लेंस की दो उत्तल लेंसों से संयुक्त लेंस की क्षमता और संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी। तो एक उत्तल लेंस हमने मान लिया ये है और इसके संपर्क में एक उत्तल लेंस हमारा ये दो रखे हुए हैं उत्तल लेंस। पहले लेंस की आपको बदलू में फोकस दूरी जो F1 थी, दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या होती है F2। अगर दोनों लेंसों को मिलाकर जो संयुक्त लेंस बनता है, अगर उस संयुक्त लेंस की अगर हम फोकस दूरी की बात करें तो उसकी जो फोकस दूरी होती है वो आपकी होती है F, क्योंकि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होती है 1/F=1/F1+1/F2। दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे तो 100/F=100/F1+100/F2। जहाँ पर 100/F1=P1 पहले उत्तल लेंस की क्षमता है व 100/F2=P2 ये दूसरे उत्तल लेंस की क्षमता है, क्योंकि P बराबर 100/F होता था। यहाँ पर F2 लिखा हुआ, P2 लिखा हो, यहाँ पर F2 लिखा है, तो P2=100/F2, तो ये दूसरे उत्तल लेंस की क्षमता है। और संयुक्त लेंस की क्षमता क्या बनेगी, संयुक्त लेंस की क्षमता जो होगी वो P बराबर बनेगा आपका 100/F रखने पर। अगर ये वैल्यू तीनों यहाँ पर रख दें तब आपका एक फार्मूला बन जाएगा जिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल लगते हैं, इम्पॉर्टेंट है, P=P1+P2। तो ये फार्मूला तब लगाएंगे जब दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया जाए और उस संयुक्त लेंस की क्षमता पूछेगा। तो दो लेंसों से उत्तल लेंसों से मिलकर जो संयुक्त लेंस बनाए उसके संयुक्त लेंस की क्षमता होती है P=P1+P2। लेकिन अगर दो से कई ज़्यादा अगर लेंसों को ले लिया, दो से ज़्यादा 3, 4, 5, 6, तो संयुक्त लेंस की क्षमता क्या बनेगी, P=P1+P2+P3+P4, जितने भी लेंस लिए जाएँ, तो उन लेंसों को मिलाकर संयुक्त लेंस की जो क्षमता बनेगी वो P=P1+P2+P3। लेकिन यहाँ पर कितने लेंस लिए, दो, इसलिए फार्मूला बनेगा आपका P=P1+P2। एक और छोटा सा डेरिवेशन है उसकी स्टडी कर लेते हैं। विस्थापन विधि द्वारा, देखिए विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, क्योंकि इस फार्मूले पर जो है, जो भी फार्मूला है उस फार्मूले पर न्यूमेरिकल जो है बेस्ड बहुत आता है। तो देखिए विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, इसका एक डेरिवेशन है। तो उसमें क्या है, यदि दो पिनों के बीच में एक उत्तल लेंस को रखकर, ठीक है, पहली पिन का वास्तविक का उल्टा प्रतिबिंब दूसरी पिन के नीचे दो बार प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए जो फार्मूला बनता है वो F=A²-D²/4A। इसका मेन आप फार्मूला याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट बहुत है।
तो जिन बच्चों ने अभी तक पिछले वीडियो तक अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम अगर आपको क्रॉस करना है तो उसके लिए आप नोट्स प्रिपेयर करें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।